हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट्स के बारे में। बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है, जिसके साथ हमें इसके स्ट्रेंथ भी अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट की, तो बेटामिथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जिसका इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि गठिया और सूजन या किसी एलर्जी के चलते होने वाली सूजन तथा किसी दर्द के रहते होने वाली इन्फ्लामेशन में हमें इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की दवाइयों के कॉम्बिनेशन में या विभिन्न प्रकार की कॉम्पोजिशन में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट की, तो यह इन्फ्लामेशन व एलर्जी के चलते होने वाली सूजन के साथ साथ एड्रीनल समस्या व गठिया तथा फेफड़े या सांस लेने की समस्या के साथ साथ स्किन एलर्जी व अल्सरेटिव कोलाइटस के साथ साथ यह मल्टीपल कोलाइटस में भी हमें इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर विभिन्न प्रकार की मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिल सकता है। यदि बात करें बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट्स की, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाना खाने के बाद दिन में एक बार किया जाता है। इसी के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना करें या बताई गई दिशा निर्देशानुसार ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई बार इस दवा का इस्तेमाल हल्के स्ट्रेंथ में हम बात करें तो इसका इस्तेमाल दो बार भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस व इससे होने वाली इन्फ्लामेशन के साथ साथ होने वाली हल्की दर्द के साथ कुछ दवाओं के कॉम्बिनेशन में हमें देखने को यह मिल सकता है। यदि मैं बात करूं बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट की, तो इसका इस्तेमाल रात के समय ही किया जाना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रहे इस दवा का इस्तेमाल ब्रेस्ट फीडिंग मदर बिल्कुल भी ना करें या डॉक्टर्स के बताई गई प्रिकॉशंस और उनके बताए गए प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर्स पर ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना बेटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट के बारे में। यदि बताई गई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें तथा पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।